आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कर्व ब्रिज ब्रश कैसे यूज करते हैं ज़ब्रस में। तो उसके लिए हमारे पास में एक मॉडल है, ये हमारे पास में लाइट बॉक्स में आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे डॉगी नाम से जो मॉडल है वही है। बस इसकी मेज को हमने यहाँ पर मेसेस डिलीट कर दी हैं कुछ, तो इसको हमें कवर करना है। कैसे कवर करेंगे? तो देखिए, जब भी आपके पास में सिंगल मॉडल होता है और वो कहीं से ब्रेक होता है बीच से, जहाँ से उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो ऐसी चीजों को कवर करने के लिए हम ब्रिजिंग टूल का यूज करते हैं। तो आपने माया या मैक्स या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर चलाया होगा तो उसमें आपने ब्रिज किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पर नहीं आया हो तो यहाँ पर ज़ब्रस में हम देखते हैं, ट्राई करते हैं आपको समझाने की। तो देखिए, बीच से मेस, ये मेस बीच से ब्रेक है, इसको हमें कंटिन्यू कराना है। तो उसके लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से बी बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर फिर से आपको सी बटन प्रेस करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, कर्व ब्रिज। ये एक ब्रश है जिसके थ्रू आप अन इवन मेस को कंटिन्यू करा सकते हो। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका जो एक्टिव ब्रश बन जाएगा, यहाँ लोड हो जाएगा। तो आप देखोगे इसके दोनों साइड में यहाँ पर हमको एज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक एज ये गोल गोल राउंड जो कॉर्नर की या बॉर्डर एजेस हैं इनको, और फिर ये भी बॉर्डर एज बतानी पड़ेगी। तो कैसे करना है सिलेक्ट बॉर्डर एज को देख लेते हैं। ये देखिए ब्रश का साइज, ये राउंड रेड सर्कल काफी बड़ा आ रहा है, यहाँ से हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं ये इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी लास्ट वाली एज दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और अभी क्या करना है आपको, शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेना है। जैसे आप शिफ्ट बटन प्रेस करोगे, अब आप छोड़ दो दोनों, तो अब देखिए इसका जो बॉर्डर एज है वो आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, ये देखिए रेड रेड से। आपको सेकेंड साइड का भी सिलेक्शन देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो हम यहाँ चलते हैं, आपको क्लिक करना है लास्ट जो भी एज है बॉर्डर एज पे, और शिफ्ट बटन को यहाँ पर भी प्रेस कर लेना है। देखिए ये भी पूरा कंटिन्यू कर रहा है, आपको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ोगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी वो मेज देखिए जुड़ गई है, कितने आसानी से उसने जोड़ दिया, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? अब जब आप जोड़ रहे हो उसको तो ये क्या हो रहा है कि पूरा मॉडल आपका ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मास्क में इसने बना दिया। जब भी आप ऐसा करोगे, ब्रिज करोगे, तो जो भी नई मेज जनरेट हुई है वो और बाकी रेस्ट ऑफ द मेज है वो मास्क में चली जाएगी। आपको बाहर आना है तो कंट्रोल के साथ कहीं पर भी बाहर को आपको ऐसा ड्रैग करके सिलेक्शन देना है, और देखिए आप बाहर आ चुके हैं और प्रॉपर तरीके से आपका ये मॉडल जुड़ चुका है, राइट? तो अभी हमारे पास में एक ऑप्शन और है, यहाँ पर देखिए इसके गले में छेद है, होल है। हमें क्या करना है, हमको इसके अंदर से एक कनेक्टिविटी बनानी है जो कि इस साइड तक जाएगी। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा दोनों साइड के जो बॉर्डर एजेस हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी एज पे बॉर्डर पे क्लिक करना है और शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेना है, छोड़ देना है। ये देखिए राउंड राउंड आपका ये सिलेक्शन हो गया। सेकेंड एंड पे भी जाना होगा और सेम इसी से तरीके से हमें सिलेक्ट करना है। तो हमने फिर से क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस कर लिया। देखिए जैसे हमने ये प्रेस किया, अंदर की मेज देखिए ये जुड़ चुकी है, राइट? तो ये कितना आसान है, बहुत ही आसान है। फिर से कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग करना है ताकि आप मास्किंग से बाहर आ पाए। देखिए इसके लेग में भी सेम प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस दोनों एंड के, इस साइड के और इस साइड के दो बॉर्डर एजेस हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं, इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और शिफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे। देखिए ये यहाँ पर ये सिलेक्शन आ गया है, कर्व बन चुका है। नीचे भी हमें कर्व बनाना है तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके जूम करेंगे, क्लिक करेंगे और शिफ्ट बटन को, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे यहाँ पर देखिए मेज जनरेट हो गई है, जुड़ चुकी है। अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ बाहर ड्रैग करना है, आपका मॉडल रेडी हो गया है। तो आप इस पे ब्रश चलाना चाहते हैं या कुछ भी करके आप देखना चाहते हैं तो हम इसके डिवीजन थोड़े से बढ़ा देते हैं। देखिए जो कर्व्स आ रहे थे वो गायब हो चुके हैं, और जहाँ पर हमने ये ज्वाइंट किया था, जहाँ पर बीच में मेज जनरेट हुई है, अगर आप इस पे नॉर्मल ब्रश चला के चेक करना चाहते हो कि ऐसा तो नहीं है कि बस इल्यूजन है, तो आप देख सकते हो इल्यूजन नहीं है, प्रॉपर मेज जुड़ चुकी है। अब आप इसके ऊपर स्कल्प्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, राइट? जैसा भी आपको स्कल्प्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो स्टमक में हमने मेज जनरेट करी थी, देखिए प्रॉपर तरीके से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि वहाँ वर्टेक्स या जो बॉर्डर एजेस है वो जुड़ी नहीं है, खाली मेज जनरेट हुई है, ये इसने जोड़ भी दिया है,
तो आप इस पे स्कर्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आप कुछ भी करा सकते हैं, जैसे ये कॉर्नर पे थोड़ा सा हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जुड़ा हुआ है कॉर्नर, बिल्कुल सही जुड़ा हुआ, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर आज देखा कि किस तरह से हम ब्रिजिंग कराते हैं माया मैक्स। अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर चलाया है तो वहाँ पर आपने ब्रिज कराया होगा, ठीक है। नहीं कराया है तो आज हमने देख लिया कि क्या होता है ब्रिजिंग। उसके लिए एक टूल होता है, ब्रश में जा करके आपको देखना पड़ेगा, ये उसका साइन है, आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे और फिर उस पर काम करना चालू कर देंगे। तो हमने आज ब्रिज टूल देख लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है जीब्रश में तो आप कमेंट करना, जरूर वीडियो मिलेगी। थैंक यू।